अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ इरम इफ्तखार और आज मैं आई हूँ बहुत ही ख़ास वीडियो को लेकर। जी हाँ, हमारा नया प्रोजेक्ट, जैसा कि आप जानते हैं हमारा नया प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका टॉपिक है इस्लामियात। इस प्रोजेक्ट का कैची नेम है इस्लाम ईमान जन्नत का रास्ता, यानी इस्लाम ईमान द वे टू हेवन। और इस प्रोजेक्ट की वीडियो बनाने का मकसद आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत अहम मालूमात फराहम करना है ताकि आप अपने बच्चे की पढ़ाई में या इस प्रोजेक्ट को समझने में मदद कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस मंसूबे की आगाही के लिए ज़रूरी चीज़ें, यानी जो एंट्री इवेंट लगाया जाता है उसके बारे में। हर क्लास में ये मुख्तलिफ होता है, जैसे किसी क्लास में मस्जिद लगाई गई है और कुछ मैंने ओरिजिनल स्क्रीन शॉट लेकर आपके साथ शेयर किए हैं। किसी क्लास में खाना काबा की तस्वीरों को चार्ट की सूरत में आवेजा किया गया है या मुख्तलिफ किस्म के रिलीजन्स की तस्वीर की चार्ट या फोटोज लगाई गई हैं। इसी एंट्री इवेंट को देखते हुए निकलता है हमारा मुहर्रकाती सवाल, यानी ड्राइविंग क्वेश्चन। बच्चों के जहन में मुख्तलिफ सवाल आए, जैसे हमारी ज़िंदगी में अरकान इस्लाम क्यों अहम है। किसी बच्चे के जहन में ये सवाल आया कि हम दिन में 5 नमाजें ही क्यों पढ़ते हैं, या ये कि हम अच्छे मुसलमान कैसे बन सकते हैं। इस सिलसिले में बच्चों की रहनुमाई करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया। अब जानना ये है कि बच्चे क्या जानते हैं, यानी उनकी वाकफियत है, वो जानते हैं कि वो मुसलमान हैं और वो कलमा पढ़ते हैं। असल चीज़ ये है कि वो इसकी रूह से वाकिफ नहीं है, यानी उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ ख़ास मालूमात नहीं है। तो उन्हें जानना होगा 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में, जैसे कि तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। इस प्रोजेक्ट में बच्चे अकायदे इस्लाम को सीखेंगे, यानी कि क्या चीज़ें हैं जिनको अपने जहन में रखने से हम इस्लाम की रूह को पा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अल्लाह पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, तकदीर को मानना और उस पर ईमान लाना, अल्लाह और योम आखरत पर ईमान लाना। जब बात आती है अरकान इस्लाम की, तो बच्चों को बताया जाएगा कि तौहीद, यानी कि अल्लाह पर ईमान लाना जो है वो सबसे अहम अकीदा है। नमाज जो है वो हमारे मजहब का एक अहम रुकन है और नमाज अदा करना ज़रूरी है। किस वक्त, कितनी उम्र में बच्चे को नमाज अदा करनी चाहिए, नमाज कैसे अदा करनी चाहिए, मर्दों के और औरतों के नमाज पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा फ़र्क होता है, बच्चों को ये फ़र्क बताया जाएगा। साथ ही साथ वज़ू के लिए सरगर्मी के ज़रिए उन्हें इस बारे में बताया जाएगा। रोज़ा, रोज़े की अहमियत, रोज़े की फजीलत, माह रमज़ान की क्या अहमियत है, और इस माह में ज़कात, फितरा, इससे हम लोगों की मदद कैसे करते हैं, इस बारे में बात की जाएगी। साथ ही साथ रमज़ान का इनाम ईद, ईद के बारे में बच्चे जानते हैं और उसके बारे में मज़ीद चीज़ें भी बच्चों को बताई जाएंगी। अगला रुकन हमारा है हज। हज क्या है, हज कौन करता है, हज करने के लिए कहाँ जाया जाता है, और हज करने के साथ जो हम ईद उल अज़हा मनाते हैं, जिसे हम बड़ी ईद कहते हैं, कुर्बानी वाली ईद कहते हैं, वो क्यों परफॉर्म की जाती है। आखिर में बात आएगी ज़कात की, ज़कात क्यों देते हैं, क्यों देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए और ज़कात देना क्यों ज़रूरी है, बच्चों से इस बारे में बात की जाएगी। इसके साथ साथ हमारा मज़हब जो है, हमारा मज़हब इबादात और इखलाकियात दोनों पर मुश्तमिल है, और हम अपने बच्चों को जब इखलाकियात सिखाते उन्हें सबसे पहला सबक यही देते हैं कि सच्चाई दीन का अहम रुकन है, दीन सच्चाई पर किस कदर ज़ोर देता है, ईमानदारी कितनी ज़रूरी है, ईमान होना ईमानदारी के बगैर मुमकिन ही नहीं। ईमानदार वो शख्स है जिससे लोग अपने माल और जान को महफूज समझें। सिर्फ कारोबार में ईमानदारी ज़रूरी नहीं, बल्कि दूसरों की हिफाजत करना भी ईमानदारी है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ कारोबार करने वाला ताजर क़यामत में नबियों, सदीकों और शहीदों के साथ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे अहम बात, बच्चों को बताया जाएगा कि अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, उनकी बात माने, क्योंकि हमारा मज़हब वालदैन की और असातज़ा की रिस्पेक्ट करने, उनकी बात मानने को बहुत बहुत अहमियत देता है, और यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसी तरह सफाई का ख्याल रखना, ये हमारे मज़हब का एक अहम हिस्सा है, जैसा कि बच्चों को बताया जाएगा अत्तहुरु शत्रुल ईमान, सफाई पाकिजगी ईमान का अहम हिस्सा है। साथ ही साथ आपस में अच्छे अखलाक से रहना, बच्चों को छोटी छोटी मिसालों के ज़रिए बताया जाएगा कि एक दूसरे से नहीं लड़ना, उनका ख्याल रखना, ज़रूरतमंदों की मदद करना और अपने वसाइल, अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटना बहुत नेकी की बात है, बहुत अच्छी बात है। आखिर में
पेश किया जाएगा प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन, जिसके ज़रिए तज़िया होगा, साथ ही साथ रोज़ाने मालूमात यानी कि हमारा टाइमलाइन वॉल। ये कुछ तस्वीरें हैं जो हमारी ओरिजिनल टाइमलाइन वॉल्स की हैं, जिससे क्लास में जाते ही देखने वाले को अंदाज़ा होगा कि क्या क्या कुछ करवाया गया है, टॉपिक वोकेबलरी क्या है, नोज एंड नीड्स टू नो क्या हैं, यानी कि क्या क्या मालूमात बच्चों को फराहम की गई हैं, हमारी टाइमलाइन वॉल्स उसको डिपिक्ट करेंगी। और ये सब कुछ करवाया जाएगा मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए, जैसे ईद से रिलेटेड सरगर्मियाँ होंगी, बच्चों से ईद कार्ड्स बनवाए जाएंगे, वुजू करने के लिए वुजू के तरीके सिखाए जाएंगे, साथ ही साथ समी और बसरी मावनत के ज़रिए बच्चों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसे पसंद करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।